तो बेटा यहाँ पे मैं आपको असाइनमेंट जो है उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है कि यूनिफॉर्म हैवी रॉड ऑफ वेट 10 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया 100 cm² एंड लेंथ 20 cm इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट। यंग्स मॉडल ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज 2 × 10⁻¹⁺ N/m², नेग्लेक्टिंग द लैटरल कंट्रैक्शन फाइंड द एलोंगेशन ऑफ द रॉड ड्यू टू इट्स ऑन वेट। तो जो एलोंगेशन होता है बेटा ड्यू टू इट्स ऑन वेट इज इक्वल टू वेट इंटू L/2 डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई होता है, फार्मूला है। सो दिस इज इक्वल टू टू डब्ल्यू एल अपॉन 2ay। आप याद रखें इस फार्मूले को कि आउन वेट के कारण जो चेंज इन लेंथ होता है डब्ल्यू, तो अपने ही वेट के कारण क्या एलोंगेशन होगा, तो डब्ल्यू एल अपॉन 2ay होगा। वैल्यू पुट कर दो सभी, तो वेट इक्वल टू हो गया 10 इंटू लेंथ हो गया बेटा 20 cm 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया हो गया बेटा आपका 100 cm², तो 100 × 10⁻⁴ क्योंकि सब ऐसे ही में रख रहे हैं तो इसको भी मीटर स्क्वायर में रखेंगे, इंटू 2 × 10⁻¹ⁱ। जब सॉल्व करोगे इसको बेटा तो 5 × 10⁻¹⁰ मीटर आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट में है बेटा, ए वायर ऑफ लेंथ एल इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट, द लेंथ चेंज टू L1 टू L2 व्हेन मासेस 1 kg एंड 2 kg आर सपोर्टेड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम इट्स फ्री एंड्स, देन द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू। तो हम जानते हैं बेटा चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्स। सो L1 - L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1 × g हो जाएगा। ठीक है, 1 × कितना हो जाएगा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चेंज इन लेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, हुक्स लॉ। हम जानते हैं चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। सो L1 - L जो चेंज इन लेंथ आ जाएगा पहले वाले में मास में, एंड दिस इज इक्वल टू वेट कितना हो जाएगा, तो 1 × g। दूसरे बारे में L2 - L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 × कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। सो अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें बेटा यहाँ से, तो L2 - L / L1 - L दिस इज इक्वल टू 2 / कितना हो गया 1। सो दिस इज इक्वल टू L2 - L इज इक्वल टू 2 L1 - कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू L इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2L1 - कितना हो जाएगा, L2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोप यूज टू लिफ्ट ए लोड बाई ए क्रेन इज 2.5 × 10⁻⁴ m². द मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रेन इज 10 metric ton। टू इंक्रीज द लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रेन टू 25 metric ton द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोप शुड बी। तो बेटा जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो दिस इज इक्वल टू 10 / 2.5 × 10⁻⁴ एंड दिस इज इक्वल टू 25 / ये क्या है आपका एरिया। सो एरिया इसका टू कितना हो जाएगा यहाँ से अगर देखें, सो एरिया इसका टू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 25 × 2.5 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई कितना 10। सो दिस इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻⁴ एंड दिस इज m². ठीक है, क्योंकि जो मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी है तो आपसे पूछा था ना कि एरिया कितना बढ़ाना पड़ेगा अगर हम 10 metric ton से 25 metric ton अगर हम लोड दे दें तो एरिया कितना, तो हम इंक्रीज करें इसको इक्वेट कर देंगे, मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी अपॉन एरिया होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस तो सेम ही रहने वाला है, तो पहले कितना था इक्वल टू बाद में कितना, दोनों को इक्वेट कर दिया, वहाँ से आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि लेट वाई के नीटा बी द वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ एनी मटेरियल, चूज द करेक्ट रिलेशन।
देखो बेटा इसमें रिलेशन आपको याद रखना है कि पहला एक रिलेशन होता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 इंटू सिग्मा, ठीक है। इसमें सिग्मा क्या है आपका पॉइजन रेशियो, एक फार्मूला ये होता है बेटा। दूसरा फार्मूला होता है वाई इक्वल टू 2 नीटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। तीसरा फार्मूला होता है बेटा यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू 3k माइनस 2 नीटा एंड डिवाइडेड बाई होता है 6k प्लस 2 नीटा। एंड फोर्थ फार्मूला होता है बेटा 9 अपॉन गामा इक्वल टू 3 अपॉन नीटा एंड प्लस 1 अपॉन के। अगर इसी फार्मूले को हम ले लें फोर्थ वाले फार्मूले को तो 9 अपॉन गामा इक्वल टू 3 अपॉन नीटा प्लस 1 अपॉन कितना होता है के, क्योंकि यह इसमें पॉइजन रेशियो नहीं है। नौ 9 अपॉन गामा माइनस 3 अपॉन नीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन के। सो 9 नीटा माइनस 3 गामा एंड दिस इज इक्वल टू गामा इंटू नीटा, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन के। सो के इक्वल टू कितना हो गया बेटा गामा नीटा डिवाइडेड बाई 9 नीटा माइनस 3 गामा, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज रो एंड इट्स बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज के। इसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है के, ठीक है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज के। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ मटेरियल व्हेन ए प्रेशर पी इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली ऑन ऑल साइड्स, अगर सभी साइड पे प्रेशर पी लग रहा है तो इसका इंक्रीज इन डेंसिटी कितना हो जाएगा। आपसे जो पूछा है यहाँ पे वो इंक्रीज इन डेंसिटी पूछा है। तो देखो बेटा हम जानते हैं कि बल्क मॉडुलस जो होता है, सो दिस इज इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, और माइनस साइन भी यहाँ पे हम लगाते हैं क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होता है। एंड डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जो होता है बेटा वो क्या होता है कांस्टेंट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या है मास। सो डेल्टा वी अपॉन वी इजकल टू डेल्टा रो अपॉन रो, नेगेटिव साइन लगा सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज के इजकल टू कितना हो जाएगा पी अपॉन डेल्टा रो अपॉन क्या लिख सकते हैं रो। सो दिस इजकल टू डेल्टा रो इजकल टू कितना हो जाएगा रो पी अपॉन कितना हो जाएगा के। सो दिस इज रो पी अपॉन के इज द करेक्ट आंसर, रो पी अपॉन के ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। तो इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर है ऊपर वाले का गामा नीटा 9 ये सी पार्ट करेक्ट आंसर है। इसका अगर करेक्ट आंसर देखें तो 6.25 इंटू 10^-4 ए पार्ट आंसर है। 12 माइनस दिस इज कल टू सी पार्ट करेक्ट आंसर है, और 5 इंटू 10^-10 इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है।